आज हम एक सिंपल तरीका यूज़ करके हमारी रेगुलर रॉक बीट्स में एक फंकी फील ऐड करेंगे, यानी कि फ्रॉम साउंडिंग समथिंग लाइक दिस, यू स्टार्ट साउंडिंग लाइक दिस। बहुत ही आसान और बिगिनर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलो आज कुछ बढ़िया सीखते हैं, क्योंकि म्यूजिक आसान है। आज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ये सीखना होगा कि गोस्ट नोट्स क्या होते हैं, है ना। एकदम डरावना लगता है, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। सो गोस्ट नोट्स आर दोज नोट्स ऑन विच वी प्ले ऑन आर स्नेयर ड्रम, जो डायनामिकली एकदम सॉफ्टली हम बजाते हैं। अगर आपको डायनामिक मार्किंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैंने अभी अभी उस पर एक वीडियो बनाया है, विच यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो कमिंग बैक टू गोस्ट नोट्स, गोस्ट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो अपने स्नेयर ड्रम पे बहुत ही सॉफ्टली प्ले करते हैं, जो इवेंचुअली ओवरऑल ग्रुप में बहुत सारा डायमेंशन और पर्सनैलिटी ऐड करते हैं। तो चलो एक सिंपल ड्रम रूडिमेंट लेते हैं, सिंगल स्ट्रोक रोल। आप सभी को सिंगल स्ट्रोक रोल तो पता ही होगा, अ ड्रम रूडिमेंट जिसमें आप ऑल्टरनेट हैंड से सिंगल स्ट्रोक्स प्ले करते हो। ठीक है, इसी में हम डायनामिक्स ऐड करते हैं। तो राइट हैंड के जो स्ट्रोक्स हैं उसको हम नॉर्मल प्लेइंग वॉल्यूम पर रखते हैं। अगर आपको डायनामिक मार्किंग्स के रिस्पेक्ट में समझना हो, तो ये हम मेसो फोर्टे MF इस डायनामिक रेंज पे बजाएंगे। ठीक है, सो राइट हैंड नॉर्मल प्लेइंग वॉल्यूम। अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड को हम एकदम सॉफ्ट डायनामिक रेंज पे बजाएंगे। इफ़ यू वांट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डायनामिक मार्किंग, हम पियानो डायनामिक रेंज में बजाएंगे। सो राइट हैंड इज प्लेइंग एट नॉर्मल डायनामिक लेवल एंड द लेफ्ट हैंड इज प्लेइंग रियली सॉफ्ट। अब राइट हैंड हाई हैट पे ले जाओ, लेफ्ट हैंड को स्नेयर ड्रम पे रहने दो। ठीक है, लिसन हाउ दिस साउंड्स लाइक। अब नेक्स्ट स्टेप, बीट टू और बीट फोर जो हमारी बैक बीट्स हैं, इनको स्नेयर ड्रम पे ऐड करो। सो यू विल हैव टू ब्रिंग योर राइट हैंड फ्रॉम योर हाई हैट टू योर स्नेयर ड्रम। बैक बीट, अप बीट, डाउन बीट, इन कॉन्सेप्ट से मैंने एक वीडियो अभी बनाया है, विच यू कैन ऑल्सो चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसमें लास्ट स्टेप इज एडिंग द बेस ड्रम। सो लेट्स एड द बेस ड्रम ऑन बीट वन एंड ऑन बीट एंड ऑफ थ्री। नाउ इट ग्रूव्स, है ना। अगर इसमें से गोस्ट नोट्स निकाल देंगे तो ऐसा थोड़ा खाली खाली सुनाई देगा, और गोस्ट नोट्स ऐड करेंगे तो एकदम फंकी फंकी। तो देखा कितने सिंपल ड्रम रूडिमेंट को, एक सिंगल स्ट्रोक रोल को हमने डायनामिक्स का यूज़ करके एकदम फंकी फील दिया। इट्स वेरी सिंपल इफ़ द अप्रोच इज़ राइट, है ना। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस दिस। सबसे पहले इसको सिर्फ प्रैक्टिस पैड पे प्रैक्टिस करना, जिसमें आप राइट हैंड को थोड़ा मेसो फोर्टे यानी थोड़ा लाउड वॉल्यूम पे बजाओगे, और लेफ्ट हैंड को एकदम सॉफ्ट रखना। वंस उस पर आपकी थोड़ी कमांड आ जाती है, देन यू कैन मूव ऑन टू योर स्नेयर ड्रम एंड दी हाई हैट। राइट हैंड को आप हाई हैट पे ले जाओ और लेफ्ट हैंड को स्नेयर ड्रम पे रहने दो, और प्ले योर बैक बीट्स विद योर राइट हैंड उसको हाई हैट से नीचे स्नेयर ड्रम पर लाके। और फाइनली इसमें आप बेस ड्रम ऐड कर सकते हो। आपका थोड़ा कमांड इस पे इंप्रूव हो जाए तो आप अपने खुद के बेस ड्रम वेरिएशंस भी बजा सकते हो। एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा गोस्ट नोट्स के रिगार्डिंग। गोस्ट नोट्स आप जितने कम बजाओगे उतने ज़्यादा वो स्टैंड आउट करेंगे व्हेन यू फाइनली यूज देम। मैं इस कॉन्सेप्ट को और एलैबोरेट करूँगा मेरे नेक्स्ट गोस्ट नोट वाले वीडियो के लिए, तब तक आप इस पर काम कर लो। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ बना के आपकी मदद कर सकूँ। याद रखना, म्यूज़िक आसान है, सब नज़रिए की बात है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम श्रीनाथ एंड दिस इज़ द रिदम एक्सपीरियंस।